नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूं आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। अनन्या पांडे ने एनसीबी को बताई आर्यन खान के साथ हुई व्हाट्सएप चैट की सच्चाई। आर्यन खान के मोबाइल से एनसीबी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे बॉलीवुड में फैले ड्रग्स रैकेट की असलियत सामने आ सकती है। एनसीबी आर्यन खान के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट के आधार पर बॉलीवुड सेलेब से पूछताछ करने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी शुरुआत अनन्या पांडे से हो चुकी है। अनन्या पांडे के साथ आर्यन खान की चैटिंग के सबूत एनसीबी ने कोर्ट में भी दिखाए हैं, जिनके आधार पर एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। 21 अक्टूबर को अनन्या पांडे अपने पापा चंकी पांडे के साथ एनसीबी ऑफिस पहुंची थी, जिसके बाद आज वो दोबारा पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिसर्स के सामने पेश हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अनन्या पांडे ने एनसीबी के सामने आर्यन खान के ड्रग्स अरेंज करने की बात से इनकार कर दिया है और उन्होंने बोला, वो बातें हम सिर्फ मजाक में बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह मीडिया में आई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्यन ने अनन्या पांडे से गांजा जुगाड़ने की मांग करी थी। एनसीबी ने जुड़े एक सूत्र ने मीडिया को बताया कि अनन्या पांडे ने पूछताछ के दौरान इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वह आर्यन खान को गांजा प्रोवाइड कराने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स से जुड़ी किसी भी बात से इनकार किया है। अनन्या पांडे ने यह भी कहा कि उन्होंने ना तो कभी ड्रग्स का सेवन किया है और ना ही कभी किसी ड्रग्स को सप्लाई किया है।